हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जेनिक सिनर की हिस्टोरिक जीत के बारे में, जिन्होंने अभी रिसेंटली US ओपन 2024 का टाइटल जीतकर सबको चौंका दिया है। तो आइए जानते हैं इस थ्रिलिंग गेम की कहानी। US ओपन के फाइनल्स में जेनिक सिनर ने अमेरिकन टेलर फ्रिट्स को 6x3, 6x4 और 7x5 से हराकर पहले इटालियन मेल टेनिस प्लेयर बन गए हैं ये टाइटल जीतने वाले। सिनर ने जीत के बाद अपने हाथों को ऊपर उठाया और सेलिब्रेट किया और पूरे आर्थर एस स्टेडियम में चीयर्स की गूंजे उठ रही थी। वही अमेरिकन फैंस चाहते थे कि फ्रिट्स 21 सालों से चल रही US ओपन मेंस ग्रैंड स्लैम ड्रॉट को खत्म करे। सिनर की शुरुआत काफी बढ़िया रही। गेम की स्टार्टिंग में फ्रिट्स ने एक अनफोर्स्ड एरर करके सिनर को ब्रेक दे दिया, लेकिन फिर फ्रिट्स ने फोर्थ गेम में ब्रेक बैक किया और फिफ्थ गेम में 23 शॉट रैली लगाकर ब्रेक पॉइंट को बचा ली। लेकिन सिनर ने जल्द ही अपनी रिदम वापस पकड़ ली और सेवेंथ गेम में एक परफेक्ट ड्रॉप शॉट लगाकर फ्रिट्स को ब्रेक किया और ये सेट 6x3 से जीत लिया। दूसरे सेट में अमेरिकन फैंस ने US का स्लोगन लगाकर फ्रिट्स को सपोर्ट किया, लेकिन सिनर ने अपनी स्ट्रांग परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखी और वो सेट भी जीत लिया 6x4 से। तीसरे सेट में फ्रिट्स ने ब्रेक के साथ शुरू करा और सिनर्स ने काफी सुपर्ब कमबैक करा। टेंथ गेम में फ्रिट्स ने एक फोर हैंड नेट पर शॉट मारा, जिससे सिनर्स को एक मैच पॉइंट मिला। एंड में सिनर्स ने 6 टाइम फ्रिट्स को हरा कर ब्रेक कर ये गेम जीत लिया। सो गाइस, कैसी लगी आपको सिनर्स की ये जीत? क्या आपको लगता है कि सिनर्स फ्यूचर में और भी ग्रैंड स्लैम्स जीत सकते हैं? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को।